हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स गुरुकुल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम जो कि मैंने लिया है SCV से। ये माय चैप्टर का है और यह है क्वेश्चन नंबर 55। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ। एक स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर है एंड एक रॉड है जिसका लेंथ है L एंड उसको हम मूव कर रहे हैं विद स्पीड V। सो स्टूडेंट, यू हैव टू फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड। सो यहाँ पे स्टूडेंट, जो करेंट कैरिंग वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड डिफरेंट होगा। इस पॉइंट पे कुछ अलग होगा, इस पॉइंट पे कुछ अलग होगा, इस पॉइंट पे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टूडेंट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड वो डिफरेंट है। सो यहाँ पे एक EMF इंड्यूस्ड होगा और उसका वैल्यू कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है तो हम डायरेक्टली आंसर नहीं लिख सकते स्टूडेंट, हमें इंटीग्रेशन का मेथड यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे x डिस्टेंस पे हमने एक dx एलिमेंटल लेंथ कंसीडर किया है। तो इस dx एलिमेंटल लेंथ में कितना EMF इंड्यूस होगा, सबसे पहले उसका एक्सप्रेशन हम लिखते हैं। तो उसको हम लिख सकते हैं d इज इक्वल्स टू, सिंस यहाँ पे जो EMF है वो मोशनल EMF है, मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, BLV, EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू BLV। सो इसका एक्सप्रेशन dx के लिए क्या होगा, d इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड। सो इस डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर के लिए, सो ये होगा μ0I/2πx, μ0I/2πr होता है स्टूडेंट, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। एंड लेंथ कितना होगा dx और स्पीड कितना है v। नाउ अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें पूरे लेंथ ऑफ द रॉड के लिए, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो हमें टोटल EMF इंड्यूस मिल जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट। तो ऑन इंटीग्रेटिंग ये मिल जाएगा E, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, μ0I/2π, और इंटीग्रेशन किसका होगा स्टूडेंट 1/x dx। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे स्टूडेंट वो है लिमिट आप कैसे पुट करोगे। सो ये टोटल x है मिड से लेके यहाँ तक और ये है L/2। तो ये एंड किस पोजीशन पे आएगा स्टूडेंट, x-L/2। ये किस पोजीशन पे आएगा, x-L/2। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट, तो ये भी L/2 है। ये टोटल कितना होगा स्टूडेंट, x plus L upon 2। सो यहाँ पे लिमिट जो है वो हो गया x-L/2 से लेके x plus L/2 कंप्लीट रॉड के लिए। पुट करते हैं स्टूडेंट, सो ये है μ0I/2πln x और लिमिट इज फ्रॉम x-L/2 से लेके x plus L/2 तक। तो ये आ गया स्टूडेंट μ0I/2πln x plus L/2, ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट 2x plus L/2 minus ln 2x minus L/2। नाउ इसको हम डिवाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं फिर, लिमिट का प्रॉपर्टी है। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट उसका फॉर्म क्या होगा, μ0I/2π लिमिट log 2x plus L upon 2x minus, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है स्टूडेंट। सो ये हो गया नेट EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड। आई होप स्टूडेंट आपको ये अच्छे समझ में आ गया। थैंक यू।